हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिराक और आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक शुभकामना है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूट्यूब का जो कम्युनिटी टैब होता है वो कब मिलता है और कैसे मिलता है। ठीक है, अगर आपका एक न्यू चैनल है उस चैनल पर आपको कम्युनिटी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं कि कैसे वो मिलता है और कब मिलता है, जानने के लिए इस पूरा वीडियो को आप देखते रहिए, हम आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स, कम्युनिटी टैब कब मिलता है वो जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कम्युनिटी टैब क्या होता है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, कम्युनिटी टैब एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर आप अपना चैनल का अपडेट, किसी भी अपडेट दे सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, कम्युनिटी टैब पर आप क्या क्या कर सकते हैं। कम्युनिटी टैब पर आप किसी भी एक पोल डाल सकते हैं जहाँ पर आपका जो ऑडियंस है, ऑडियंस का रिटेंशन आप ले सकते हैं। और अगर आप किसी भी एक जेएफ फोटो को पोस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और एक इमेज भी अगर पोस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट कर सकते हैं, और किसी भी एक वीडियो को भी अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं कम्युनिटी टैब पर तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं कि कम्युनिटी टैब कब मिलता है और कैसे मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं YouTube कम्युनिटी टैब का जो एलिजिबिलिटी है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर पास करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपका 1000 सब्सक्राइबर पास हो जाएगा, उसके बाद एक वीक के बाद आपका जो कम्युनिटी टैब है वो अपने आप ओपन हो जाएगा। अगर आपका एक न्यू चैनल है उसमें अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है तो आपको कम्युनिटी टैब नहीं मिलेगा। जब आपका सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, उसके एक हफ्ते के बाद ही आपका चैनल पे कम्युनिटी टैब मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ऐसे न्यू वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।